तो अब अपन मूछों वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इंडेंटेशन पेन या फिर नॉर्मल सा ले लो, जेल पेन या बॉल पेन खाली होना चाहिए। पता चला बीच कर रहे हो यहाँ पे मूछे बन गई। तो देखो राइट साइड वाले देखते हैं, यहाँ जो सफेद दिख रहे हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़े यहाँ यहाँ पे है। तो कैसे आएंगे, पहले जो डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ करते हैं नीचे की तरफ लटक रहे हैं, जो डायरेक्शन है वहां पे ऐसे गिनती के, ठीक है, जितने तुम्हें रेफरेंस में दिख रहे हैं, जैसे चार पांच दिख रहे हैं, यहाँ एक कर्व सा दिख रहा है, अब थोड़े नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे रुक जाना। अभी सिर्फ मूछो वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके रुक जाना, ठीक है। हाथ के नीचे कुछ वो रख लो, एक पेपर। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले पोर्शन में तो बहुत कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपना शेडो है। तो यहाँ देखो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ये डायरेक्शन नहीं आएगी, पहले थोड़ा नीचे रहेगी और धीरे धीरे डायरेक्शन आती है, जैसे आईब्रो में रहता है ना, पहले एक कर्व चलते फिर धीरे धीरे और ज्यादा लंबे कर्व आते, इसमें भी रहेगा। यहाँ पे पहले ऐसे थोड़े रैंडमली डायरेक्शन वो है, ठीक है, नीचे की तरफ, लेकिन उस डायरेक्शन में रैंडमली से आ रहे हैं थोड़े, यहाँ पे कर्व करते हुए स्ट्रेट कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कर्व आएंगे, यहाँ पे कर्व रहेंगे, इस तरीके से आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है मुझे पता है, लेकिन हल्के हल्के पहले इतने बना लो। अब इससे पहले एक बार मोनो जीरो इरेजर लो और ये जो लिप्स के ऊपर वाला पोर्शन है उसे इरेज कर लो, क्योंकि क्या है, यहाँ अपन को हाइलाइट्स चाहिए। अब अपनी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेना, एकदम शार्प, ओके, यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे जो वी शेप आता है, पहले हल्का सा इस तरीके से वी शेप बनाना, हल्का सा बनाना, बहुत ज्यादा वो नहीं, डार्क, यहाँ पे थोड़े अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे रैंडमली आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो पतली सी लाइन टाइप दिखेगी अपन को, बहुत एकदम ब्राइट लाइन नहीं बनाना है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पे अपन पहले लेफ्ट साइड बना लेते हैं, तो यहाँ डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो थोड़े ऐसे पूरे ऊपर से नीचे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ पूरे बड़े भी हो सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे लाओ, ठीक है, वरना इतने से पार्ट में बहुत लंबे बाल बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक आध दो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं जो अपन ने अभी हाईलाइट करा है, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन बदलते हुए नीचे की तरफ आते हुए, तो यहाँ पे थोड़े से बन गए। अब अपनी डायरेक्शन आना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा करो, ये जो अपन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट होंगे, इनके जो कर्व है अब यहाँ पे आने लगेंगे ऐसे, ओके, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व आने स्टार्ट हो गए। तो कहाँ तक लाने हैं, यहाँ तक, ऐसे ये जो ब्लॉक लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक। तो यहाँ से कैसे लाने, बहुत मोटे मत कर देना, एक बार ध्यान रखना, तो यहाँ पे हल्के 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 हल्के, मतलब ये नहीं कि बहुत लाइटली ड्रॉ करो, आराम आराम से करते जाओ, यहाँ पे रैंडमली चल तो रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन है इनके पास, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन उनकी ये होगी, ठीक है, ये ड्रॉ मत कर लेना एरो, बताने के लिए करा है। तो अब ऐसा नहीं कि इस लाइन के अंदर ही रहेंगे, थोड़े थोड़े इस लाइन के बाहर जाओ, तभी तो, इस लाइन अगर लाइन के अंदर रखोगे वो लाइन दिखेगी, इसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है, और फूंकते रहना क्योंकि चारकोल इकट्ठा चेहरे पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपनी डायरेक्शन क्या है, इधर पे आनी चाहिए ये डायरेक्शन, ऐसे थोड़े थोड़े आउटर बॉर्डर पे भी निकलने चाहिए। यहां पे कहां तक लाने, नीचे तक, तो थोड़े बाहर आएंगे, ये जैकेट वाला जो पोर्शन बनाया था उस पे भी हल्के हल्के आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, ऐसे नहीं भर दो तुम पूरा एरिया, नहीं वो नहीं होगा, थोड़े इधर अंदर की तरफ भी आएंगे, यहाँ पे ऐसे रेंडमली, ठीक है, इतना पोर्शन कर लो पहले, हाथ के नीचे पेपर रखो, पीछे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देखना बाल इस तरीके, तो यहाँ पे जो है थोड़े इस डायरेक्शन में और बाल बना दो ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना कि बहुत पास पास, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दे दो इस तरीके से। ठीक है, इतना किया, अब इसके बाद अपना इंडेंटेशन के लिए पेन उठा लो, तो डायरेक्शन बालों की एक बार देख लो रेफरेंस में, इस तरीके से है, तो बीच में थोड़े ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे बहुत गैप दे, बहुत ज्यादा एकदम पास पास मत कर देना, बहुत ज्यादा एकदम गैप भी नहीं देना, ऐसे थोड़ा दो तीन के पेयर में बना सकते हो थोड़े बड़े से, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, पेन का मूवमेंट देखो मेरे, ठीक है, ये मूवमेंट देखो, थोड़े एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, बड़े हैं,
यहाँ पे थोड़े लंबे हैं, ऊपर की तरफ है थोड़े, यहाँ नीचे की तरफ है, रैंडम से है लेकिन डायरेक्शन उनकी कर्व में है। यहाँ तक के लिए बना लो, तो देख लो पहले। मुझे एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्लेंड हो चुका है ना यहाँ पे भी आएंगे, असली जॉ लाइन ये है और ये जो गर्दन पे बाल आते हैं वो दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े नीचे की तरफ भी बना लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कर्व जरूर रहेंगे लेकिन वो थोड़े नीचे नीचे भी जाएंगे, और जो है अपन बाद में उसे मोनो जीरो इरेजर से भी एक्स्ट्रा बना देंगे। तो अब यहाँ देखो, ये जो बॉर्डर दिख रही है हल्का हल्का ब्लेंड थी, तो अब डायरेक्शन अपन को पता है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ से अब ऊपर की तरफ करने स्टार्ट करो, पेंसिल पीछे पकड़ो, जो चेहरे की तरफ बाल आएंगे वो ऐसे लाइटली ड्रॉन होंगे, ठीक है। एक तो ग्रेफाइट पे जाके वो वैसे भी हल्के हो जाएंगे, तो यहाँ पे हल्के हल्के, क्योंकि अपन को यहाँ ऊपर की तरफ हल्के चाहिए, बस नीचे आने चाहिए ये, ठीक है। नीचे आ रहे हैं, डायरेक्शन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मूंछों पे आके जुड़ गई, ये धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आए, पहले देख लो यहाँ पे हल्के हल्के बाल भी दिखेंगे अपन ने जो इंडेंट करें, यहाँ पे आए और अब एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो गया ये वाला पोर्शन ऐसे। तो ये देखो, ये अपन को एक बॉर्डर सी मिल गई, ओके, ये अपनी बॉर्डर है। तो अब यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ से बड़े बाल आएंगे, तो कैसे, ये जो था आपने, ये नीचे की तरफ कर्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे देखना, अब थोड़े डार्क आएंगे, लाइट प्रेशर से बनाए थे, अब ये थोड़े डार्क आएंगे और नीचे की तरफ पूरे कर्व के साथ ऐसे आएंगे, थोड़े यहाँ पे बनाएंगे अपन ऐसे रेंडम से, और यहाँ पे ये अब ऐसे डार्क आने। एक बात ध्यान रखना है, धब्बे नहीं बनने चाहिए, वो जो डॉट्स बनती ना गंदी वाली, वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे बना लो, कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो असली जॉ लाइन बनाई थी मैंने वहाँ तक, क्योंकि उसके नीचे फिर थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि अपन को डिफ्रेंशिएट हो जाए शेडिंग करते समय, ब्लेंडिंग करते समय, कि वो अलग हैं। तो अभी रुक जाओ ज़रा, पहले मुझे देख लो, यहाँ से लेके थोड़े रैंडम डायरेक्शन में भी जा रहे बीच में कुछ बाल ऐसे, क्योंकि एकदम तो दाढ़ी अच्छी रहती नहीं है किसी की, देखो ज़रा पहले। तो इस तरीके से करते करते ऊपर से जिस कर रहे थे, यहाँ नीचे लाएंगे थोड़े और, यहाँ यहाँ से इतना पूरा पोर्शन सेम करा, यहाँ पे थोड़ा और आएगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ मूछें कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ अपना। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर बाल आए थे वो लाइट हैं, ये हैं डार्क हैं, अब इनके बीच में जो है, ठीक है, लाइट और डार्क इन दोनों के बीच का एक शेड डालो, एक हल्का सा, ताकि वो ब्लेंड करने में आसानी रहे अपन को। तो देखो ज़रा, यहाँ मैं दोनों के बीच का डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं मिला रहा हूँ एक तरीके से दोनों को, ऊपर वाले नीचे सेक्शन को ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक्स से, ठीक है, क्योंकि वो ब्लेंडिंग के समय और आसानी देगा अपन को। ऐसे हल्के से नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक ले जा रहा हूँ मैं थोड़े, अब क्योंकि मुझे क्या है, ऊपर के भले थोड़े और डार्क हो जाएं, लेकिन वो ऐसे बीच की जो गंदी सी लाइन दिखती है ना अपन को डार्क, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे ले गए, यहाँ से थोड़े और ऊपर जाएंगे ऐसे, थोड़े इधर चेहरे की तरफ ऐसे फैलते हुए, क्योंकि एकदम से बंद नहीं हो जाता ये, ठीक है। अब आते नीचे वाले पोर्शन पे, तो ध्यान दो, यहाँ पे आए ये डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से एक और कर्व अपनी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से एक कर्व थोड़ा सा ऐसे अपनी डायरेक्शन में जाएगा, वही अपन को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो ये आए, यहाँ से अपन को बॉर्डर पता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़े कर्व अपनी डायरेक्शन में जाने लग गया, यहाँ से ऐसे कर्व होके इस डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, अपन को एक लाइन मिल जाएगी, तो वो अपन को दिखा देगा कि ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं गर्दन वाले स्ट्रोक्स हैं, इनको ऐसे नहीं कि बिखरते हुए बनाओ, इनकी एक लाइन जो है वहाँ पे आके कर्व हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। और अभी एकदम ब्लेंड नहीं कर देंगे अपन, जब पूरा हो जाएगा अपन तब एक साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना करो, इतना कर लो पहले। तो इतना पोर्शन होने के बाद अब अपन को ये आता है पोर्शन, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे भी अपना इंडेंट आने चाहिए थोड़े, ऐसा तो है नहीं, तो पहले ऊपर वाले पोर्शन में बना लो, यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे, यहाँ पे छोटे रहेंगे, ये बीच वाले पोर्शन में थोड़े बड़े आएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ छोटे रहेंगे, अभी दिख नहीं रहे कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे भी थोड़े थोड़े इंडेंट बना दो, हल्के हल्के, बहुत ऐसे भर भर के नहीं बनाना है, क्योंकि वो वैसे भी कवर हो जाएंगे, अपन को बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े रैंडम से चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर अपन यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है।
पहले तो यहाँ पे क्या है, थोड़े इसके नीचे से ऐसे वही कर्व लेते हुए आते जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो दो दो हैं, ये असली चेन है और नीचे वाला हिसाब है। तो इस तरीके से ठीक है, यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ निकाल दो कर्व। ठीक है, ये बॉर्डर से थोड़े नीचे कर रहा हूँ मैं, देखना ज़रा, यहाँ से थोड़े ऐसे नीचे कर रहा हूँ, यहाँ आके रुक जा रहा हूँ, अभी पूरे नीचे नहीं कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ कर दे रहा थोड़े, यहाँ पे थोड़े ऐसे आ रहे हैं ना ये। इस तरीके से कर रहा, ये थोड़े थोड़े ऊपर आते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहे कर्व, यहाँ पे नीचे की तरफ रहेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इस तरीके से थोड़े रैंडमली यहाँ यहाँ नीचे की तरफ लाओ, थोड़े ऊपर ले जाओ, यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से राइट साइड, ये समझ लो बस। ठीक है, इसके एकदम नीचे मत ले जाना, यहाँ पे भी चिन वाला पार्ट है ये, तो यहाँ पे अपन को ये ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, ये वाला पार्ट बचता है, तो जैसे अपन ने ये करे, यहाँ से ऐसे कर्व ले जाना स्टार्ट कर, तो यहाँ से छोटे से स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, आराम आराम से करो, और यहाँ पे आके से जोड़ दो ऐसे इधर। ठीक है, तो ये अपना चिन वाला पोर्शन हो जाता है, ये बचता है तो इसे कर लो, इसे थोड़े उस डायरेक्शन में जाएंगे, थोड़े बाल ऐसे जैकेट पे भी आ रहे हैं यहाँ यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से थोड़े रैंडमली बाल आए, यहाँ से कर्व होते हुए ऊपर से नीचे आए, थोड़े रैंडमली ही आ रहे हैं फैलते हुए, और यहाँ से अब ऊपर की तरफ चले गए ऐसे। अब जो लिप्स के नीचे वाला पोर्शन है ये, इससे कैसे आएंगे, तो यहाँ पे रैंडम, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट बाल बनाओ कर्व, यहाँ पे थोड़े कर्व और ऐसे थोड़े रैंडमली से। ठीक है, ये आए नीचे की तरफ सबसे बड़े वाले, एक आध दो यहाँ छूते हुए इनको, और फिर बाकी लेफ्ट साइड जाने लगे थोड़े, ओके, थोड़े इधर एक आध दो ऊपर छूते हुए। ठीक है, फिर ये यहाँ आने लगे, लिप्स पे नहीं आने चाहिए, एक बार ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक आध दो ऐसे छूते हुए, एक आध दो नीचे से ऊपर आते हुए, थोड़े यहाँ पे एक आध दो ऐसे, किसी के बाल एकदम परफेक्ट तो है नहीं, तो इतने में अपना ये नीचे वाला पोर्शन हो जाता है। इतना करो, फिर इसे ब्लेंड करेंगे अपन, तो ब्लेंड करने वाले हैं अब अपन इसे, तो ध्यान से देखो कैसे ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंड में दोबारा नहीं बता सकता, तो ध्यान देना, यहाँ ब्रश ऐसे फ्लैट रखो, ये लंबे में कोई नहीं करना, और ऐसे किया गड़बड़ हो गया, यहाँ रखो ब्रश और ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, चेहरे पर कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है, अपन को ये जो लाइट पार्ट दिख रहा है ये करेंगे, ये जो डार्क है इसे अपन थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, ये दिखना ना चिन के पास वाला, तो अभी इसे नीचे रखो। ठीक है, इधर पे नहीं, नीचे नहीं, ये जो असली जॉ लाइन है उस पे रख के ऐसे ऊपर की तरफ लाओ, और फूंकते जाना, क्योंकि ग्रेफ चारकोल इकट्ठा होता जा रहा है। अब यहाँ ब्रश उल्टा पकड़ो ऐसे, और यहाँ से नीचे की तरफ कर्व ले जाओ, फूंक मारते रहना, क्योंकि चारकोल पूरा है जो नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे ऐसे धीरे से रख के ऐसे कर्व करो, तो पहले देख लो ये पीछे वाले हिस्से पे ब्लेंड कर देना ऐसे, तो ये हिस्सा अपना ब्लेंड हो जाता है। अब यहाँ रखो, तो यहाँ पे ऐसे रख के थोड़े नीचे लाओ, देखो तो आगे पकड़ना पड़ेगा ताकि प्रेशर बने इसमें, वरना घिसते रहोगे बहुत देर बैठे बैठे उसे, और फूंकते जाओ, ऊपर रखो, ऊपर से नीचे लाना, एक बात ध्यान रखना इस एरिया में कवर ना हो जाए, ये अपन ने इरेज किया था लिप्स के ऊपर वाला, तो इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे होगी, अब ऐसे फूक मारते जाना। ठीक है, अब देखो जो मैंने बोला था डार्क पार्ट, ये तो सिंपली अपन ने ब्लेंड कर लिया, अब ये जो डार्क पार्ट है ये ऊपर ऊपर कर लो इसे थोड़ा,
ये जो चिन के पास वाला है इसे इस तरीके से ब्लेंड करो और धीरे धीरे करते, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लगाना, ऊपर जाते जाते हल्का हो जाएगा ताकि अपन को ये डार्क चाहिए। ये देख सकते हो ये डार्क है, इतना पोर्शन देखो, ये नीचे वाला पोर्शन देखो ज़रा, इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करो ताकि और डार्क हो जाइए। तो यहाँ पर डार्क करते 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 बस इधर तक छोड़ दो, ऐसे थोड़ा पोर्शन यहाँ पर डार्क होगा और ये अपन ने छोड़ दिया इतना। दोबारा इस वाले एरिया पे ऐसे ब्रश चलाओ ऊपर से नीचे रखते हुए ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ओके, तो इस तरीके से अपन ब्लेंड करते हैं। अब मोनो जीरो इरेजर लो, ठीक है, मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट देंगे। तो देखो अब अपन ने जो हाईलाइट्स बनाए थे, ठीक है, तुम देख सकते हो रैंडमली भगते हुए बाल थोड़े यहाँ वहाँ बन रहे हैं, तो ऐसे धीरे छोटे छोटे भी आ रहे हैं। पेन अपनी जो मैकेनिकल इरेजर है ये मोनो जीरो, इसे शार्प रखना, ऐसा नहीं कि पूरा हिस्सा चारकोल से कवर्ड है, मोटा सा हिस्सा है एकदम, जो इसका कोना वाला हिस्सा है वो बहुत इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपन इंडेंट कर चुके हैं उतने काफ़ी हैं, उन्हीं के ऊपर हल्के हल्के दोबारा चला दो। और ऐसे रैंडमली नहीं भगाओ, ऐसे थोड़े प्रेशर के साथ करो ताकि एक बार में बाल इरेज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़े हो गए, थोड़े से यहाँ कर दो अंदर की तरफ, एक आध दो ऐसे, ठीक है, थोड़े से यहाँ पे हो गए। ओके, इतना करने के बाद हल्का सा इन पे ऐसे ब्रश चला लो, हल्का सा, क्योंकि एकदम ऑड लगेंगे, और फिर ये अपना जो है हिस्सा हो जाता है। ये थोड़े ऊपर की तरफ बना लिया अपन ने, एक आध दो यहाँ पे, ये वाला एरिया अपन ने इरेज कर लिया क्योंकि यहाँ पे अपन को चारकोल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का ये मस्टैश वाला पूरा पोर्शन हो जाता है। अब थोड़ा नेक वाला बचता है, तो पहले इतना कर लो। नीचे वाला पार्ट देखो ज़रा अब, तो नीचे वाले पार्ट में बहुत भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना, टिप से नहीं करना, यहाँ से ऐसे हल्के हल्के ऊपर से निकलते हुए आ रहे हैं, यहाँ से आएंगे, तो ये देखो इस वाले पोर्शन तक आएंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ यहाँ तक, और यहाँ से फिर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ देखो ऐसे हल्के लहरें की तरह आएंगे, थोड़े कर्व कुछ आएंगे ऐसे लहरों की तरह, एकदम शार्प रखना पेंसिल और डिस्टिंक्ट दिखने चाहिए एक एक एक, तो ऐसे लहरों की तरह आ रहे हैं कुछ, ऐसे क्या कहते हैं, एक रैंडमली से भाग रहे हैं कुछ, कर्व ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कर्व, तो जो गर्दन पे उल्टे सीधे बाल रहते हैं ना थोड़े थोड़े, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आएंगे मैक्सिमम। तो मुझे देखो, मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उसी तरीके से बना लो। तो इतना ही करना है, इसके बाद नीचे थोड़े एक आध दो बाहर की तरफ थोड़े बिखरे हुए ऐसे, उसके नीचे नीचे ऐसे जैसे ग्रुप में थे तो थोड़े थोड़े यहाँ से ऐसे बिखरे हुए से बना दो ताकि वो थोड़े और अच्छे लगें। इन्हें ब्लेंड नहीं करेंगे, इनके ऊपर अपन क्या कर सकते, हल्का सा ऐसे कॉटन लो, ठीक है, और ऐसे बस उनके ऊपर रख दो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस वाले पोर्शन में ऐसे कॉटन ऐसे घिसना नहीं है, बस ऐसे रख दो इस तरीके से अपने, देखो पूरा स्केच कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद एक ही चीज़ बचती है, वो है यहाँ पे अपने साइन करो और यहाँ साइन कर दो अपने कि अपना ये स्केच जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये स्केच कंप्लीट हो जाता है।